पाटोदी पंचायत समिति क्षेत्र में इन दिनों नीम हकीम पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते देखे जा रहे हैं। यहां झोला छाप डॉक्टर इस तरह सक्रिय हैं कि प्रशासन को इसकी जानकारी होने के बावजूद इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे यह लोग खुलेआम ग्रामीणों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब हैरानी इस बात से भी होती है कि चिकित्सा विभाग क्यों इस तरह खामोश होकर बोले वाले ग्रामीणों की मौत का तमाशा देख रहा है। जानकारी के मुताबिक इन झोला छाप डॉक्टरों ने कुछ दिनों पहले ही इलाज के दौरान एक महिला और एक मासूम बच्चे की जान ले ली। इन हादसों के बाद भी ग्रामीण चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से भी इन झोला छाप डॉक्टरों की मिलीभगत होने के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्षेत्र में इन लोगों ने बेझिझक अपना कारोबार चला रखा है, लेकिन इन पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह लोग क्षेत्र के ग्रामीणों से ड्रिप चढ़ाने और इंजेक्शन लगाने के नाम पर मोटी रकम लेकर उनके साथ लूट का खेल कर रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक कई बार इनके द्वारा इलाज करने के बाद लोगों की जान मुसीबत में पड़ जाती है, तो ये झोला छाप डॉक्टर उन्हें निजी या बड़े सरकारी अस्पतालों में रेफर कर देते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन को यह जानकारी है कि बंगाल, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के यह नीम हकीम बेझिझक यह गोरख धंधा चला रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी नकेल कसने में क्यों कामयाब नहीं हुआ, यह समस्या पर है। लोगों का कहना है कि कुछ समय पूर्व शिकायत करने पर ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी द्वारा इनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद इन लोगों के मेडिकल स्टोर और क्लिनिक बंद हो चुके थे, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते ये सभी झोला छाप फिर सक्रिय हो जाते हैं।